आज 11 जून ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक जी की जानिब से इस बार 2022 में सफर हज पर जाने वाले ओडिशा के कुल 387 आदमी ने हज के लिए भुवनेश्वर के जादेव भवन में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में ओडिशा के तमाम जिला के आदमी ने हज ने शिरकत की, लेकिन सबसे अहम और खुशी की बात ये रही कि भद्रक के सदर MLA संजीव मलिक ने भाईचारा की मिसाल पेश करते हुए भद्रक के 40 आदमी ने हज को एक स्पेशल बस के जरिए सरकार नगर यानी खानका शरीफ से भुवनेश्वर के लिए रवाना किया। रवानगी से कबल MLA संजीव मलिक ने तमाम आदमी ने हज को फूलों का गुलदस्ता और छाता पेश कर बस पर चढ़ाई और अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर भद्रक 14 मोहल्ला के मुरब्बी राजनीति के गुरु जनाब अब्दुल बारी साहब, भद्रक पंचायत समिति के चेयरपर्सन उर्मिला नायक, भद्रक ब्लॉक के वाइस चेयरमैन मुकंदर देव सामल, भद्रक म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन अंजू बाला जेना, BJD स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी राकेश कुमार पंडा के साथ BJD के कई अहम नेता और मेम्बरान मौजूद रहे। MLA के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में नौजवान BJD नेता इंजीनियर मोहम्मद फरहत आलम उर्फ लोका भाई और हाजी मोहम्मद तबरेज खान साहब ने भरपूर ताउन पेश किया। नाज़िंग्राम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़िंग्राम, इस वक्त आपका पसंदीदा चैनल अपना तर्जुमान बालासोर से चलकर भद्रक पहुंचा है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम जो है सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं खानका शरीफ के गेट नंबर 1 पर, यानी हज़रत वसीम अख्तर कादरी, हज़रत नसीम अख्तर कादरी का रोज़े मुबारक। आप देख सकते हैं कि ये जो है हज़रत वसीम अख्तर कादरी के रोज़े मुबारक है, और ये जो है खानका शरीफ का इलाका है। खानका शरीफ यानी रोज़े अकदस का गेट नंबर 1 के पास हम खड़े हैं। आपको बताता चलूं कि कुछ देर के अंदर यहाँ पे जो भद्रक के MLA हैं संजीव मलिक, वो यहाँ पे पहुँचेंगे, और उसके साथ BJD के बहुत सारे जो रुकन है, बहुत सारे मेम्बरान यहाँ पहुँचेंगे। उसकी वजह ये है कि जो आज हमारे ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक जो तमाम आज़मीन हज को, जो इस बार हज के लिए जाने वाले हैं तमाम आज़मीन हज को, भुवनेश्वर आज बुलाए हैं। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर आज मधु किया है कि वह उनका जो है वेलकम करेंगे आज जो है भुवनेश्वर में जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर आला जो है वहाँ पर उनका वेलकम करेंगे। उसको जो है वहाँ पर जो भी आज़मीन हज भद्रक से जाने वाले हैं उनके लिए जो है बाकायदा तौर पर भद्रक MLA संजीव मलिक ने एक बस का इंतज़ाम किया है। यहाँ से तमाम आज़मीन हज को बस में बिठाकर जो है यहाँ से रवाना करेंगे, और तमाम यहाँ से भद्रक के जो आज़मीन हज हैं जो इस बार सफ़र हज में जाने वाले हैं 2022 में, वो यहाँ से निकलकर भुवनेश्वर पहुँचेंगे, और भुवनेश्वर से जो है नवीन पटनायक के जो है प्रोग्राम में अटेंड करेंगे और फिर भद्रक वापस आएंगे। तो संजीव मलिक का जो है कोशिश उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं बालासोर से भद्रक, और थोड़ी देर के अंदर यहाँ से आज़मीन हज भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे। आइए आपको ले चलते हैं, वो तमाम झलके आपको दिखाते हैं। नाज़िंग्राम, इस वक्त देख सकते हैं कि हम बालासोर से भद्रक पहुंचे हैं। संजीव मलिक जो MLA हैं उनकी दावत पर यहां पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात यहां के आज़मीन हज जो इस बार 2022 के सफर हज पर जाने वाले हैं, उनको बाकायदा तौर पे जो आज नवीन पटनायक मुख्यमंत्री ने बुलाया था, भुवनेश्वर बुलाया है, उनको वेलकम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे MLA हैं भद्रक के MLA साहब, वो संजीव मलिक यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके साथ तमाम BJD के लीडर मौजूद हैं और तमाम यहाँ के कारकुनान मौजूद हैं, और सबसे बड़ी खादिमुल हुज्जाज यानी जो गाइड बनकर जाएंगे तबरेज भाई मौजूद हैं, फरहत भाई मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात है कि संजीव मलिक को मुबारकबाद देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कोशिश आपकी है, और आप जो है यहाँ से भद्रक के आज़मीन हज को जो आप आगे लेके जा रहे हैं और वहाँ तक भुवनेश्वर तक उनको मदद कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं सर? कौन कहीं पर कमेटी देखुचन थी जे भद्रक के हाजी मैंने जीवे हज करिया हज यात्रा को जीवे आज आप मुख्यमंत्री डाकिचन आपण से मैंने भुवनेश्वर पठाईवा व्यवस्था करते कौन कह सर? जो मैंने भद्रक रु हज करने जीवे आगामी दिन में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय आज भुवनेश्वर जयदेव भवन ठारे समस्त सारा ओडिशार हज यात्री मानक डाकी संबर्धित करने आम भद्रक रु 40 जन हज यात्री जाऊँ जो मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबर्धित हे, एवं
राज्य सरकार सबुबले मानवर मुख्यमंत्री सबु धर्म को समान दृष्टि देखते जो मैंने हज करेंगे से ठीक ठाक जीवे एवं फेरबे से राज्य सरकार तरफ तीन जन को नियोजित कराई तन्मध्य भद्रक रु तब्रेज खान जे सरकार तरफ सी मध्य प्रतिनिधि दल को लेकिन जीवे ओडिशारु भद्रक थी तब्रेज खान को मुझे धन्यवाद दूसरी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूसरी आम भद्रक रु तब्रेज खान को चयन कर राज्य सरकार तरफ जहा आम भद्रक जो हज जा समस्त को मो तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा दूँ माननीय मुख्यमंत्री आज संवर्धना करें निमें आज गोटे खुशी दिन। बहुत बड़ी बात है कि संजीव मलिक की कोशिश जो याद रहेगी, क्योंकि ये जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पे और भी जो है लोग हैं बीजेडी से। मैडम कौन परिचय ब्लॉक चेयरमैन भद्रक ब्लॉक चेयरमैन। मैडम देखुं आज संजीव मलिक चेष्टा मानते जिते हाजी मैंने जाते हैं नवीन पटनायक प्रोग्राम रे केमिति देखु बहुत भल लगुच कौन कहिया पई चाहिबे खुशी रो जहांतु कि खुशी रो आसंतु आम नवीन पटनायक माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तांको संबर्धित करथवारु मु बहुत खुशी व्यक्त करुच। इस वक्त देख सकते हैं कि बारी मियां साहब को बाकायदा तौर पे देखिए यहाँ पे बिठाया जा रहा है, क्योंकि ये जो है भद्रक के बुजुर्ग हैं, भद्रक के जो है सब कुछ रहनुमा हैं और संजीव मलिक उनके आशीर्वाद से जो है इस बार भी एमएलए बने हैं। ये जो है बैनर आप देख सकते हैं कि जो है बैनर जो है बाकायदा तौर पर जो है लगाया गया है एमएलए के नाम से। हमारे साथ और एक मैडम है, उनसे उनका परिचय जानेंगे। किस तरह आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संजीव मलिक जी का जो कोशिश है, तमाम आजमीन हज सफर हज पे जाने से पहले नवीन पटनायक के पास जा रहे हैं, किस तरह आप देख रहे हैं इसको, इस प्रोग्राम को? बहुत मैं बहुत दिल से बहुत खुश हूँ। नवीन बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि नवीन पटनायक हमेशा हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आज वो हाजी लोगों को जो सम्मान देने के लिए बुलाए हैं, उसके लिए उद्यम हमारे संजीव मलिक जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही वो हमारे बीच, हम उनके साथ रहें, वो हमारे साथ रहें। सर दो लफ्ज़ों में क्या कहेंगे सर, संजीव मलिक साथ खड़े हुए हैं, उनकी कोशिश से आज लोग भद्रक से जा रहे हैं भुवनेश्वर, क्या कहेंगे सर? देखिए मैं तो तकरीबन 20-30 साल से देखते हाजियों को विदा करते आया हूँ, लेकिन आज जैसा इंतजाम हमारे विधायक के जरिए हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जी। अब आगे क्या होगा ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज जो इंतजाम किए हैं, जिस तरह से इंतजाम किए हैं, ये सब जाते थे अपने बलबूते पर जाते थे, किसी को एमएलए विदा नहीं करते थे। आज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद शुक्रवाद अदा करेंगे और हम चाहेंगे कि उनका सेहत तंदुरुस्ती के साथ ही वो इस तरह का खिदमत करते रहें। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बारी मियाँ की जो है दुआएं जब जो भी लेता है यहाँ पे राजनीति में वो कामयाब ज़रूर होता है। नाज़रीन-ए-किराम इस वक्त देख सकते हैं कि जो भद्रक से जो बस छूटी है भुवनेश्वर जाने के लिए, यानी वज़ीर-ए-आला नवीन पटनायक जो बुलाए थे आज़मीन हज को, वो जो है बाकायदा तौर पे भद्रक के आज़मीन हज निकल के लिए निकले हैं, नवीन पटनायक के प्रोग्राम में शामिल होंगे 5 बजे। और इन तमाम को हम जिस तरह आपको झलकियाँ दिखा रहे थे कि इस तरह जो है भद्रक के विधायक संजीव मलिक वहाँ मौजूद थे, बाकायदा बीजेडी के तमाम नेता मौजूद थे, और उन तमाम लोगों के मौजूदगी में जो है ये तमाम आज़मीन हज इस बस में जा रहे हैं और ये बस का पूरा इंतजाम संजीव मलिक ने किया। इस वक्त हमारे साथ तब्रेज साहब हैं, जिन्होंने जिनको पूरा मतलब ओडिशा से लेकर पूरा जिद्दा यानी पूरा सफर हज तक जो है ओडिशा के आज़मीन हज के लिए गाइड बनकर जाना है, और मुतवल्ली वो सिर्फ पहली बार नहीं हो रहे बल्कि 3 बार वो मुतवल्ली रह चुके हैं, बन चुके हैं यहाँ से बाकायदा तौर पे। तो उनसे पूछेंगे कि इस तरह की कोशिश जो आज विधायक की जो कोशिश थी जो है तमाम आज़मीन हज को किस तरह का तकलीफ ना हो, नवीन पटनायक के प्रोग्राम में आसानी के साथ जा सकें, तो इस प्रोग्राम को लेकर किस तरह क्या कहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है। इस बार आप लोग को मालूम है 2 साल जो कोरोना का जो माहौल था इस लिहाज से 2 साल हज बंद था। इस बार सऊदी हुकूमत ने परमिशन दिया है, पूरे दुनिया से 10 लाख आज़मीन हज इस बार हज करेंगे। उस लिहाज से हिंदुस्तान का जो कोटा है 79,000 कोटा इस बार है, और उस लिहाज से ओडिशा में 387 हाजियों को परमिशन दिया गया है, और इस साल 387 हाजी हज करने के लिए जाएंगे। और भद्रक का जो कोटा है 40 है, 40 जो है हाजी इस बार हज करने जा रहे हैं, और जो भद्रक के विधायक हैं माननीय विधायक संजीव मलिक, उनकी कोशिश से एक आज बस का इंतजाम किया गया है, जो आज ऑनरेबल सीएम नवीन पटनायक जी पूरे ओडिशा के हाजियों को जो है संवर्धित करेंगे ओडिशा भुवनेश्वर जयदेव भवन में।
जो भद्रक के हाजी अपने तौर पर जा रहे थे अपने हाथ से पैसा खर्चा करके, कोई ट्रेन से, कोई बस से, और कुछ परेशानी की वजह से जा नहीं पा रहे थे, उनके सहूलियत के लिए ऑनरेबल MLA भद्रक ने अपने तौर पर एक बस का इंतजाम किया है, उसके साथ साथ खाने पीने का भी इंतजाम किया। तो मुबारकबाद देंगे MLA साहब? निश्चित तौर पर वो मुबारकबाद के काबिल हैं, और मैं अपने तरफ से तमाम भद्रक वासियों की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ, और इस बार जो है हाजी को कोई परेशानी न हो इसका वो इंतजाम भी किए हैं, और निश्चित तौर पर मुबारकबाद के काबिल हैं। बहुत अच्छी बात है कि विधायक की कोशिश पे जो है तबरेज भाई ने बधाई दी। और इस वक्त जो है आजमीन हज में जो है एक चचा है हमारे साथ, उनका नाम जानेंगे, एक्स काउंसलर भी हैं, और बहुत ही बेबाक अंदाज से बालासोर में भी उन्होंने हर एक सवाल का जवाब लिया, हर एक सवाल किया और उसके जवाब से ये हुए, मुतमईन हुए। चचा नाम क्या, पहले नंबर नाम बताइए। अब्दुल मोकित खान। क्या कहेंगे MLA साहब की कोशिश को, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं? नहीं, उनका तो कोशिश जो है वो मुबारकबाद के लायक का है। हम लोग भी सब आप भद्रक जिले के जितने हाजी हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। बात हुई कि हम लोग जो है 2020-2021 में कोविड की वजह से हज को जा नहीं पाए थे, इस साल हम लोग हज जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखेंगे पूरे हिंदुस्तान के साथ, पूरे उड़ीसा के तमाम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारे साथ देखिएगा क्या ये जो बस का जो इंतज़ाम हुआ MLA साहब ज़रूर करवाएं, लेकिन इस इंतज़ाम को कारगर साबित करने में जो सबसे बड़ा अहम रोल अदा किए हैं फरहत भाई। फरहत भाई से पूछेंगे कि इतनी उनकी कोशिश रही और कोशिश के बाद आज ये जो है आजमीन हज जो है बाकायदा तौर पर भुवनेश्वर के सफ़र पर निकले हैं, नवीन पटनायक CM के प्रोग्राम में जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं फरहत भाई? आप खुद सरपंच भी हैं और बाकायदा BJD में अब एक माने जाने नौजवान चेहरा है BJD के, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं संजीव मलिक की कोशिश को? सबसे पहले जो हम लोग का विधायक हैं संजीव मलिक जी, उनको सब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो है जो मुझे जो इस जो है इंतज़ाम करने के लिए जो मुझे लायक समझे। तो मैं खुशकिस्मत सोच रहा हूँ खुद को कि इस जैसा जो है काम में मुझे काम जो इंतज़ाम करने के लिए मौका मिला, कि सबको इस काम के लिए मौका नहीं मिलता है। तो ये हुज्जाज इकराम के लिए जो है इंतज़ाम के लिए जो भी काम है ये काम करने के लिए मुझे मौका मिला है। ये भी विधायक जो मेरे को जिम्मेदारी दिए थे, मैं विधायक का भुवनेश्वर जा रहे हैं उनके साथ हाजी के साथ, अगर मौका मिलता तो मैं इनको मैंने मक्का मदीना तक भी छोड़ के आने खिदमत करने के लिए। बहुत बड़ी बात है और हर एक की ख्वाहिश भी रहती है कि ताकि हम भी उस सफर हज पे जाएं और उस पाक सरजमीन पे जाएं। नाज़रीन-ए-किराम आप देख सकते हैं पूरा भद्रक के तमाम आज़मीन हज यानी 40 आज़मीन हज जो है इस बार जो भद्रक से जाने वाले हैं सफर हज पर, वो तमाम आज़मीन हज इस बस में जो है तशरीफ़ फरमाए हैं और यहाँ से निकल चुके हैं भुवनेश्वर के लिए यानी CM प्रोग्राम के लिए। हम किसी खातून से पूछेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम देख रहे हैं, किस तरह का कहेंगे, क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? जहनारा बीबी जी। जहनारा बीबी, किस तरह लग रहा है कि आज आपके MLA साहब ने बस का इंतजाम किया, आप लोग CM के प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया MLA साहब का अदा कर रहे हैं। और एक जी हैं उनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? समीरुन। इस पहली बार जा रहे हैं सफर हज पे? पहली बार। कितनी खुशी महसूस हो रही है सफर हज? बहुत खुशी। और क्या कहेंगे मतलब MLA साहब की कोशिश पे, MLA साहब ने आपको बस का इंतजाम किया, शुक्रिया अदा। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो है पूरा का पूरा जो है तमाम के तमाम जो है आज़मीन हज जो है भद्रक के इस वक्त बस में मौजूद है, और हम भी उम्मीद करेंगे अपने चैनल की जानिब से ताकि उनके सफ़र हज मुकम्मल हो और आसानी के साथ जो है उनके जो 17 या 18 को या फिर 24 को जो भी फ्लाइट है वो कोलकाता से जाएंगे, उनके सफ़र हज मुकम्मल हो, वो जाने के बाद हिंदुस्तान भर के लिए खासकर उड़ीसा के लिए और अपने अपने शहरों के लिए और पूरे आवाम के लिए पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए जो है दुआएँ करेंगे ताकि जो है पूरी दुनिया में अमन के साथ हिंदुस्तान में अमन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे और जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान में बन रहा है ये तमाम माहौल को जो है मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे दुआ करेंगे ताकि हमारा हिंदुस्तान जिस तरह गंगा जमनी तहजीब का मरकज है वो उसी तरह कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, ओडिशा।